अभिवर्णी अम्मा बा वाजिब एहतराम सामने ने किराम एक क़यामत पूरी आलम दी होनी है, जहान अल्लाह ताला ने तबाह कर देना, बर्बाद हो जानी दुनिया। एक क़यामत है जड़ी इस्लाम ते आई और लोगों ने आज तक ना समझा भी क़यामत सी। क़यामत तो घट हादसा नहीं जड़ा इस्लाम ना पेश आया कि उम्मत दे बेहतरीन लोग बल्कि अशरा मुशरा जो लोग मौजूद सी, उस वे एक शख्स जड़ा तलीक इबन तलीक से उसके बाप ने भी हजूर ने मक्का फतह होया तो माफ़ी दी, उन्होंने भी मरसर इकतदार आ गया। और तकबर की हद है कि सही बुखारी के अंदर गज़वा खंदक के बयान चाहता भी हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु जदों चालाकी करके उस सालसी के मौका से फरेब करके फिर खुतबा दिता कि जड़ा समझदा भी वह ज्यादा खिलाफत का हकदार है तो अपना सर जरा उच्चा करे, बोलो जने बोलना। साहबा किराम जैसे लोग मौजूद है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर जी ने फरमाते मेरा दिल किया कि मैं उठ के इन्हू कह हक व बहादरा मेरे मिन का मन कातला का वाबा कर इस्लाम, खिलाफत का हकदार तो वह जिन्हें तेनों तो तेरे बाप न मार के इस्लाम दाखिल किया। झरना जंगा लड़िया थी ना, खिलाफत तो उन्होंने हथ से, मगर हूँ की क़यामत आ गई है भी तू खरा लड़ कर रहा भी जरा समझदा खिलाफत का मैं हकदार उठे। हज़रत साहब बिन अबी वक़ास अशरा फातह ईरान मौजूद है, अशरा मुझे पूछा तो सही हुकूमत संभाल ली, जिन्हों के बारे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते भी मक्का फतह होए तो जिन्होंने माफ़ी मिली इन्हों का भी कभी खिलाफत कोई हिस्सा इन्हों नस्लों का भी कोई नहीं। मगर ऐसा चक्कर चलिया कि जिवें अल्लामा इकबाल फरमाते अल्लाह के रसूल ने इन्नी मेहनत की वलेकना खिलाफत राह गुम कर अव्वल मोमिना रा शाही आवा, पटरियां उतर गई उम्मत पहली नसल में ही बादशाह का सबक देता, महल बन गया, दरबान खड़ो गया, जो कैसर किसरा का काफर का तरीका सब बर्बाद था। यकीन जानो इन्हों इस्लाम पर क्यामत तो कट नहीं क्या हादसा दीना कि जो कि रसूल ने मेहनत की थी पानी फिर गया, दुनिया की बादशाही रह गई, चले आते हूँ तक भी थोड़े मुल्क इन्होंने संभाले है, करमा है इस्लाम ही पिछे चल दिता। तो इमाम इब्ने कसीर की अल बिदाया व नहाया अठवीं जिल्द 90 सफा हवाले बहुत ज़्यादा होंगे मगर समेटना होंगे। फरमाते कार अली इब्न मदीनी हदीस से बहुत बड़े इमाम है, समेत तो सुफियान इब्न उयैना तशकूल इमाम अली इब्न मदीनी फरमाते कि मैं सुफियान इब्न उयैना रहमतुल्लाह ने सुना था मैं सुनत मा कान थी अली खसला तकसर बेन खिलाफ, मुकाबला करने उन्हें आख्या अली एक शह भी ऐसी नहीं थी जिसे पर खिलाफत दायल ना हो नालायक साबित होने, एक ऐब भी नहीं सी उसे कर सकता। वलम युकुन फी मुआविया खसरा तुन युनाज बारी ते मुआविया दे पल्ले एक खूबी भी नहीं सी जिसने अली ना जंग कर सकता। बिल्कुल देर मच गया कि ऐसे लोग जो इस्लाम के आखिर तक दुश्मन से ना माफी मिल वो अली ना झगड़ पे। और इस तो अगे फरमाते कि लोगों ने किया कि मुआविया बड़ा हलीम सी तो बड़ा और नरम तबा सी, वकील आ शरीक ने काजी कहना मुआविया तो हलीम बड़ा दारा और हलीम सी, फिकार लैसा बेहलीम मनसाफिर हक व कातल अली है, जिन्हें हक नहीं पहचाने और इनकार करता अली ना जंग लड़ी कितने हिरम तो कितने की जानदारी से आते जी। तो एक हवाला है।